नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नेचुरल जस्टिस। सबसे पहले नेचुरल जस्टिस का मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, नेचुरल जस्टिस का सिंपल सा मीनिंग की बात करें तो डी स्मिथ ने इसमें समझाया है कि नेचुरल जस्टिस क्या है। क्लोज रिलेशनशिप है कॉमन लॉ और मॉरल प्रिंसिपल्स के बीच में। मतलब लॉ में जब हम मॉरल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं वो नेचुरल जस्टिस कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है नेचुरल जस्टिस की, बट अलग अलग जूरिस्ट ने, अलग अलग लॉयर्स ने इसको अपने हिसाब से समझाया है नेचुरल जस्टिस को। देखिए, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की बात करें तो पब्लिक अथॉरिटी के जितने भी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम नेचुरल जस्टिस करता है बाय अप्लाइंग रूल्स रिलेटिंग टू रीजनेबलनेस, गुड फेथ एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। ये प्रिंसिपल्स को यूज़ करके जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स करते हैं। नेचुरल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ही से ही रिलेटेड है, उसी का एक पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है नेचुरल जस्टिस का? देखिए, नेचुरल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिस को सिक्योर करना, और अगर जस्टिस का कहीं भी मिसकैरेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करना ही नेचुरल जस्टिस का एक काम है, एक ऑब्जेक्टिव है। इंडिया में नेचुरल जस्टिस को किस केस में समझा है? देखिए, इंडिया में जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का उसको एक्सेप्ट किया गया और एक एक क्रिपैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है उसको डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि नेचुरल जस्टिस का काम है टू सिक्योर जस्टिस एंड टू पुट इट नेगेटिवली टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, जस्टिस के मिसकैरेज को रोकना और सिक्योर करना जस्टिस को, यही काम है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का। फिर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको और इलेबोरेट किया। ओलिगा तेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलेबोरेट किया। ये बहुत लीडिंग केसेस हैं जिसमें नेचुरल जस्टिस के इस प्रिंसिपल को इलेबोरेट करके और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे एनफोर्स होंगे, किन अथॉरिटीज़ पे होंगे। देखिए, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बाइंडिंग है सारी कोर्ट्स पर, जुडिशियल बॉडीज़ पर और क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटीज़ पर। लेकिन क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है, क्या ये प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पर अप्लाई होंगे, क्या ये उन बॉडीज़ पर बाइंडिंग होंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स किसी राइट्स को वायलेट करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं कि क्या अल्ट्रा वायरस होंगे वो उस ग्राउंड पर। देखिए, अगर हम बात करें केस की, फ्रैंकलिन वर्सेस मिनिस्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ जुडिशियल डिसीजंस पर एप्लीकेबल होंगे या जुडिशरी पर एप्लीकेबल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पर नहीं। वहाँ इस केस में ये बोला गया था कि जो मिनिस्टर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दी गई हैं वो सिर्फ उनके उनके डायरेक्शन दिए गए हैं उस काम को करने के लिए, उन पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम नहीं लगा सकते। बट बाद में एक केस आया जिसका नाम है रिच वर्सेस वेट का केस, जिसमें ये बोला गया कि जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पर एप्लीकेबल होंगे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में केस आया स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस बेनापानी दाए का केस था, 1967 का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो होते हैं उनके सिविल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसलिए उनके ऊपर भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स जो है एप्लीकेबल होंगे। पहले भी हमने एक एक रिपैक के केस को बहुत पर एक एक क्रिपकैक का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बोला गया था कि इफ़ द पर्पस ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, वंस फेल टू सी व्हाई दोस रूल्स शुड बी मेड इनएप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज। तो अगर नेचुरल जस्टिस का उद्देश्य ही प्रिवेंट करना है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस हैं उन पर भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल किया जाएगा, वो उस पर एप्लीकेबल होंगे। अब आ जाते हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे थे। तो आखिरकार वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के? तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, लैटिन वर्ड है नीमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कोसा, जिसका मतलब है नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस और नो मैन कैन एक्ट एज बोथ एट द वन एंड द सेम टाइम अ जज और अ पार्टी। देखिए,
इसमें सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी इंसान खुद के केस का जज नहीं हो सकता, या फिर जिस केस में आपका कोई इंटरेस्ट है आप उस केस में जज नहीं बन सकते। ये पहला प्रिंसिपल बात करता है। दूसरा प्रिंसिपल है ऑडी अल्टरम पार्टम, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, यानी कि पार्टीज़ को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, उनके खिलाफ कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए दोनों पार्टीज़ की। तो ये दो मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में नेचुरल जस्टिस बात करता है। अगली वीडियो में हम दोनों ही प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कहता है नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस, यानी कि कोई भी इंसान अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। इसी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करती है कि जो जज होना चाहिए वो इम्पार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और बायस नहीं होना चाहिए। जब वो कोई डिसीजन दे रहा है उसका उस केस से कोई इंटरेस्ट, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यहीं पर बायस का मतलब समझाया गया है। बायस का मतलब होता है कि आप किसी भी तरीके से उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। टाइप्स ऑफ बायस समझाए गए हैं, देयर इज अ फोर टाइप्स ऑफ बायस्ड: पिक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस, ऑफिशियल बायस और जुडिशियल ऑब्स्टेनिटी। ये फोर टाइप का बायस है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। फर्स्ट आ जाते हैं पिक्यूनरी बायस पर। देखिए, पिक्यूनरी बायस का मतलब होता है कि कोई भी लिटिगेशन है, कोई भी उसमें आपका किसी भी तरीके का पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, उसके सब्जेक्ट मैटर में आपका कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो उस केस में आप उसका फैसला, डिसीजन नहीं ले सकते, आप उस केस के जज नहीं हो सकते। यहाँ पर एक केस है जिसमें केस से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, बोहनम केस। ये 1610 बहुत पुराना केस है। इसमें क्या होता है, ये डॉक्टर बोहनम होते हैं, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर होते हैं, वहाँ के प्रोफेसर होते हैं, तो ये बिना लाइसेंस के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, इनके ऊपर फाइन चार्ज करती है, बिना लाइसेंस के पढ़ाने के रूप में इन पे ऊपर फाइन लगाती है और कहती है कि जो फाइन की अमाउंट है वो आधा किंग के पास जाएगा और आधा यूनिवर्सिटी के पास आएगा। तो ऐसे में चीफ जस्टिस जो कोक हैं वो डिसअलाउड कर देते हैं इस फाइन को और कहते हैं कि इस जो फाइन लगाया है यूनिवर्सिटी है उसका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इस डिसीज़न में, तो वो खुद ही इस चीज़ की जजमेंट नहीं दे सकता। दूसरा केस आता है NBGG बॉय वर्सेस कलेक्ट्रेट ऑफ थाना, 1965 का केस है। इसमें क्या हुआ था, जो चीफ जस्टिस था उनकी बेंच के पास एक केस आया। वो केस था एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी की, कोई लैंड होगी उससे रिलेटेड कोई केस था। अब उस कॉरपोरेटिव सोसाइटी की जो लैंड थी उसमें उन चीफ जस्टिस का इंटरेस्ट था, वो मेंबर थे वहाँ के। तो यहाँ पर जो केस है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि ये चीफ जस्टिस इस केस को नहीं देख सकते क्योंकि इनका खुद का पिक्यूनरी इंटरेस्ट है इस कॉरपोरेटिव सोसाइटी के केस में। तीसरा, यहाँ एक और केस था मोहपात्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट और उड़ीसा, 1984 का। यहाँ पर क्या हुआ था, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, उसके लिए कुछ बुक्स सेलेक्ट की जानी थी और उसके लिए एक कमिटी बनाई गई। उस कमिटी के मेंबर्स रखे गए, उन्हीं बुक्स के कुछ ऑथर्स को रखा गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया था कि क्योंकि ये ऑथर्स की खुद की बुक्स यहाँ सिलेक्शंस में हैं, खुद की बुक सिलेक्ट की जा सकती हैं, तो हो सकता है ये लोग बायस्ड हो जाएं, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा कि ये बायस्ड हो सकते हैं, इसलिए ये मेंबर नहीं हो सिलेक्टिंग कमिटी के। दूसरा आता है इसमें पर्सनल बायस, ये सेकंड टाइप का बायस है। देखिए, पर्सनल बायस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है तो आप उसके लिए पर्सनली बायस्ड हो जाओ। नेगेटिवली हो सकता है, कोई आपका एनिमी है, किसी से आपके ग्रजस हैं, वो आपके सामने केस लेकर आया है, तो वहाँ पर भी आप बायस हो सकते हो। तो पर्सनल बायस के केस में दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव आस्पेक्ट आ सकते हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड है, कोई एनिमी है, तो उस केस में भी आप जज नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आप पर्सनली बायस्ड हो जाओ। यहाँ पर यही एक केस था, आरवी वर्सेस हैंडल का केस था। यहाँ पर जिस मजिस्ट्रेट के पास केस, जिस आदमी का केस आया, उस आदमी ने पहले उस मजिस्ट्रेट को पीटा हुआ था, उसका केस मजिस्ट्रेट के पास आया तो उस मजिस्ट्रेट को उस केस से हटा दिया गया। उसमें ये रखा गया कि ये हो सकता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ पर्सनली बायस्ड हो जाए क्योंकि पहले से इनके ग्रजेस इसके साथ हैं।
इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक केस आता है, वो है एके क्रिपैक का केस। इसका पूरा नाम है एके क्रिपैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969। इसमें क्या होता है, एन होता है, फॉर एग्जांपल एन होता है वो कैंडिडेट होता है सिलेक्शन फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, और वो सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर भी होता है उसी टाइम पर। तो एन जो है बोर्ड में नहीं बैठता है, बोर्ड में नहीं बैठता है क्योंकि उसका खुद का नाम कंसिडर किया जाता है उस सिलेक्शन के लिए। अब क्या होता है, एन का नाम बोर्ड के द्वारा रिकमेंड किया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन के लिए, और वो सिलेक्ट हो जाता है। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होता, अब वो क्या होता है, एन के सिलेक्शन के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करता है इस ग्राउंड पर कि उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, उस सिलेक्शन को क्वेश कर देती है, क्योंकि वो कैंडिडेट भी था और सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर भी था, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आता है थर्ड टाइप का बायस, जिसको ऑफिशियल बायस, सब्जेक्ट मैटर या डिपार्टमेंटल बायस भी बोलते हैं। ये थर्ड टाइप का बायस क्या होता है, इसमें ये बायस कब अराइज होता है, जब जज का जनरल इंटरेस्ट हो किसी सब्जेक्ट मैटर में, तब इस टाइप का ऑफिशियल बायस आता है सामने। इसमें जो इम्पोर्टेंट केस है वो है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस एपी एसआरटीसी का केस। इस केस में क्या होता है, स्टेशनर होता है, उसका एक बिजनेस होता है, मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है, आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट बोर्ड होता है, वो सारे मोटर ट्रांसपोर्टेशन का जो वो काम होता है उसको नेशनलाइज करने के लिए एक स्कीम को पब्लिश करता है और ऑब्जेक्शन इनवाइट करता है कि अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो हमें बता दे। ऑब्जेक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्शन दिए जाते हैं पिटिशनर के द्वारा, पर वो ऑब्जेक्शन खुद चीफ मिनिस्टर नहीं सुनते, बल्कि उनके सेक्रेटरी उस ऑब्जेक्शन को सुन लेते हैं और लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद लिखे हुए ऑब्जेक्शंस को जाकर चीफ मिनिस्टर को दिखा देते हैं, और चीफ मिनिस्टर उन ऑब्जेक्शंस को जो है अप्रूव्ड कर देता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ये जो है ऑफिशियल बायस है, कि ऑब्जेक्शन किसी और ने सुने और कोई और उसके ऊपर फैसला दे रहा है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जा रहा है कि सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन चुने और मिनिस्टर उसका फैसला दे रहा है बिना सुने। फोर्थ टाइप का बायस आता है, वो है जुडिशियल ऑब्सेनिटी का बायस। फोर्थ टाइप का बायस है, ये न्यू टाइप का बायस्ड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तब डिस्कवर किया था जब कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज ने अपनी ही जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया था, जब वो उस जजमेंट के ही खिलाफ अपील में बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कोई भी जज अपनी ही जजमेंट के अपील में नहीं बैठ सकता, ये वॉयलेशन है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का। तो ये फोर्थ टाइप का जो बायस था वो सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिसीजन में, इसी जजमेंट में डिस्कवर किया था। तो ये थे टाइप्स ऑफ बायस नेचुरल जस्टिस के। नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल जस्टिस के थर्ड प्रिंसिपल को। वैसे तो इसको सेकंड प्रिंसिपल का ही पार्ट माना जाता था पहले, जो ऑडी अल्टरम पार्टम है, लेकिन अब इसको थर्ड प्रिंसिपल की तरह क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि ये समय के साथ बहुत इवॉल्व हुआ है और इसका स्कोप भी बढ़ा है, इसलिए इसको थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। क्या है, स्पीकिंग ऑर्डर एंड रीजन डिसीजन। स्पीकिंग ऑर्डर्स यानी कि आप कोई भी जजमेंट दे रहे हो, कोई भी ऑर्डर दे रहे हो, या फिर कोई भी जुडिशियल बॉडी हो, क्वाशी जुडिशियल बॉडी हो, ट्रिब्यूनल हो, कोई भी अपना ऑर्डर देती है, जजमेंट देती है, तो उस जजमेंट को देने के पीछे का रीज़न आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है कि आपने ये जजमेंट इस रीज़न की वजह से दी है। वो ज़रूरी इसलिए होता है कि कहीं आप अपनी पावर्स का आर्बिट्रेरीली यूज़ तो नहीं कर रहे, या फिर आप गलत तरीके से अपनी जो भी आपको पावर असाइन की गई है उनको गलत तरीके से तो नहीं दे रहे। इसलिए आपको हर फैसले के पीछे का रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ता है, मैंडेटरी होता है। तो यही थर्ड प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, जिसको हम रीज़न डिसीजन या स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। ये आने वाले समय में और इवॉल्व होगा, अभी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, पहले इसको ऑडी अल्टरम पार्टम के साथ ही देखा जाता था। देखिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पार्टी है,
जिसके अगेंस्ट में या जिसके फेवर में आप ऑर्डर दे रहे हो, जजमेंट दे रहे हो, उस पार्टी के पास ये राइट है कि वो उस ऑर्डर या फिर उस जजमेंट के पीछे का रीज़न जाने जो उसके अगेंस्ट में या फेवर में आई है, उसको ये राइट है कि वो अपील के लिए जा रही है या फिर रिवीजन के लिए जा रही है, तो उसके पास एक रीज़न तो होना चाहिए कि इस रीजंस के बेसिस पर मेरे खिलाफ या मेरे हित में ये ऑर्डर दिया गया है। तो ये ज़रूरी है, इस प्रिंसिपल में ये बोला गया है। इसी प्रिंसिपल को ऑब्जेक्टिव बताया है लॉर्ड डेनिंग ने, जिन्होंने कहा था द गिविंग ऑफ रीजंस इज वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। ये लॉर्ड डेनिंग की डेफिनेशन है कि रीज़न देना एक फंडामेंटल्स में आता है गुड एडमिनिस्ट्रेशन के। प्रिंसिपल को समझाने के लिए बहुत सारे केसेस, लीडिंग केसेस आए जिनके साथ साथ ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ। वो सारे केसेस जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला केस है साइमंस इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 का केस है। यही फर्स्ट केस था जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पब्लिक लॉ के केस में रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई जजमेंट या ऑर्डर दे रहे हो, इस केस में जस्टिस भगवती ने ये बोला था कि जो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं उन्हें रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और ये बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का अगर पब्लिक लॉ की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि इन्होंने पब्लिक लॉ के केस में बात की थी कि पब्लिक लॉ के अगर केसेस हैं तो वहाँ पर आप रीज़न दीजिए, नहीं। लेकिन समय के साथ चीज़ें क्या इवॉल्व हुई, प्राइवेट लॉ में भी चीज़ें आई कि अगर प्राइवेट लॉ हैं उनके बेस अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो वहाँ पर भी रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। दूसरा केस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लीडिंग केस है, जिसमें तीन प्रिंसिपल दिए कि हमें रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी, मैंडेटरी क्यों है, वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। यहाँ पर जो है तीन सिचुएशन या तीन प्रिंसिपल्स बताए गए, तीन प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताए गए, ग्राउंड बताए गए कि रीज़न रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला ये था कि जो एग्री पार्टी है उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर वो कहीं अपील के लिए या फिर रिवीजन कोर्ट में जाएगा तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो रीजंस दिखा सके कि इस रीजंस के बेसिस पर मेरे खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है, और जो एपेलेंट कोर्ट है, रिवीजनल कोर्ट है, वो देखेगी कि ये रीजन सही हैं या नहीं, कहीं आर्बिट्री रीज़न तो नहीं है, ठीक है। दूसरा ये दिया गया कि जो रीजंस रिकॉर्ड करने की ऑब्लिगेशंस हैं वो अथॉरिटीज़ के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अथॉरिटी कहीं अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे, आर्बिट्रली अपनी पावर्स को यूज़ ना करे और उनके ऊपर ये सावधानी बरतें कि हमें रीजंस रिकॉर्ड करने हैं, इसलिए हम जो भी फैसला लें वो सोच समझ कर सही लें। तीसरी चीज़ इसमें ये बोली गई कि जो पार्टीज़ हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, जस्टिस के लिए रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, कि पार्टीज़ को पता तो होना चाहिए कि उन्हें इन इन बेसिस पर सज़ा मिली है या इन इन बेसिस पर उनके साथ जस्टिस हुआ है। तो ये तीन प्रिंसिपल्स मेनका गांधी के केस में बताए गए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं जब वो कोई जजमेंट देती हैं, क्वासी जुडिशल अथॉरिटी हैं जब वो कोई जजमेंट देती हैं तो उनको रीज़न्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। देखिए, जुडिशियल अथॉरिटी जब कोई ऑर्डर देती है वो रीज़न रिकॉर्ड करती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब हम एग्जीक्यूटिव की तरफ आते हैं, जब वो अपना कोई ऑर्डर देती है, तो उसे इन सारे केसेस में रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, ये जो रीज़न रिकॉर्ड करने की पावर है वो हमें कहाँ से मिलती है, कौन कौन सी ऐसे सोर्सेस हैं जो हमें कंपल्शन देते हैं कि कंपल्सरी है आपके लिए, मैंडेटरी है, जिसमें आप जो है रीजंस को रिकॉर्ड करोगे। तो देखिए, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के थ्रू हमें ये पावर मिलती है कि अगर हमारी किसी अथॉरिटी ने, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई गलत फैसला लिया है, ठीक है,
तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर बोल सकते हैं कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है। तो ये तभी होगा जब वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा। रीज़न रिकॉर्ड नहीं करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा कि आपने विदाउट किसी रीज़न उसको ये सज़ा दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है कि आपको ये फलाना ढिमकाना केस में रीज़न रिकॉर्ड करने हैं। दूसरा, स्टैट्यू पर्टिकुलर एक्ट में ही लिखा रहता है कि ये अथॉरिटी अगर ये फैसला लेगी तो उसको वो रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे साथ में कि आपने इसका ये फैसला क्यों लिया है। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये मैंडेटरी करते हैं अथॉरिटीज़ को कि आपको रीज़न रिकॉर्ड करना है। और चौथा होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनका फंक्शन करने का नेचर ही ऐसा है कि आपको उसमें रीजंस बताने पड़ेंगे। देखिए, इसमें केसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चारों सोर्सेस को एलेबोरेट करने के लिए। सबसे पहला केस है अनुमति वर्सेस साधु खान का केस। इसमें क्या हुआ था, जो वेस्ट बंगाल की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी उसके पास लाइसेंस देने का, इशू करने का काम था। वहाँ उस स्टैट्यू में ये प्रोविज़न था कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसी को भी लाइसेंस इशू करने से मना कर सकती है, या फिर अगर उसने लाइसेंस इशू कर दिए हैं तो उन लाइसेंस को जो है सस्पेंड भी कर सकती है विदाउट गिविंग एनी रीजंस। ठीक है, लाइसेंस किस चीज़ के लिए, कोई भी आप काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर काम के लिए, मील चलाने के काम के लिए, अगर मील चला रहे हो तो मील के लिए किसी को भी लाइसेंस इशू कर सकती है और किसी से भी जो है लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है, और चाहे तो ना करे। और इसमें एक लाइन बोली गई थी विदाउट गिविंग एनी रीज़न, तो इसी लाइन पर जो है कोर्ट ने यहाँ पर फैसला लिया था कि ये आर्बिट्री पावर्स हैं कि आप बिना किसी रीज़न, बिना किसी को रीज़न दिए किसी का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते हो, ये आर्बिट्री हैं। ठीक है, ये एक केस था। फिर उसके बाद ठीक है, जैसा एक और केस है लिबर्टी ऑयल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी लाइसेंस की ही बात थी कि लाइसेंस देना है ऑयल मिल्स के लिए विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। यहाँ पर आर्बिट्री पावर फिर दे दी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चाहे तो रीज़न ना दे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये गलत है, आपको रीज़न देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या प्राइवेट लॉ के केस में रीज़न देना ज़रूरी है। तो इसके लिए केस आया था रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस चौकीमल कॉन्ट्रैक्टर्स का केस था। इस केस में आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अंडर एक प्रोविज़न था कि आप इसमें जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड दिया जाता है उसमें आप रीज़न रिकॉर्ड ना करें, लेकिन इसमें बाद में ये कहा गया जो आर्बिट्रर है, जो अवार्ड आर्बिट्रेशन के लिए अवार्ड देता है उसको रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। जो भी अवार्ड वो दे रहा है उसके रिलेटेड उसको रीज़न रिकॉर्ड करना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था, नेचुरल जस्टिस का तीसरा प्रिंसिपल। नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बेसिकली इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक प्रिंसिपल से आया है, जिसको यूएस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक्सेप्ट किया है। रूल ऑफ लॉ एक डॉक्ट्रीन है जो यूके से निकली है और इंडिया और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको माना है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसका बेस ही रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्रीन है। सबसे पहले सर एंड्रॉयड कॉक ने, चीफ जस्टिस थे जो, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ऑरिजिनेट किया। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया प्रोफेसर डाइसी ने। डाइसी ने इसको इस थ्योरी को डेवलप्ड किया अपने क्लासिक वर्क के थ्रू, जिसका नाम था द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1885 में पब्लिश्ड हुआ। ये थी रूल ऑफ लॉ की हिस्ट्री। अब जान लेते हैं कि बेसिकली रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है। तो रूल ऑफ लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंग्लिश लीगल सिस्टम का। रूल ऑफ लॉ बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। पहली, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और तीसरी, जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर बहुत ही अच्छे से हम इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। पहला पॉइंट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसमें डाइसी अपने पहले प्रिंसिपल में ये समझाते हैं कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ की ही एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी होगी, मतलब कि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, जिससे कि हम गवर्नमेंट की आर्बिट्री पावर्स को रोक सकें। मतलब सबसे बड़ा कानून ही होगा और कानून से बड़ा कोई नहीं होगा।
उनके अनुसार जो हैं कि किसी भी इंसान को आप जब तक अरेस्ट नहीं करोगे, पनिश नहीं करोगे, जब तक कि उसने कोई लॉ ना तोड़ा हो, जब तक कि वो किसी कानून के खिलाफ ना गया हो। अगर वो किसी कानून के खिलाफ नहीं गया है तो वो फिर वो कुछ भी करे, आप उसको पनिश नहीं करोगे। यानी कि यहाँ डाइसी ने लॉ लॉ को सुप्रीम दिखाया है। डाइसी का दूसरा प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अपने सेकंड प्रिंसिपल में, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में भी इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो डाइसी ने यहाँ पर दूसरा प्रिंसिपल बताया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पर डाइसी कहते हैं कि कोई भी वर्ग हो, सोसाइटी का कोई भी क्लास हो, हर इंसान को एक ही लॉ से, जो ऑर्डिनरी लॉ होगा, उसी से रेगुलेट किया जाना चाहिए। और हर इंडिविजुअल के लिए, यानी कि हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास, कास्ट, क्रीड, सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। और हर एक इंसान के लिए बराबर एक ही कोर्ट होनी चाहिए जो इनका फैसला करेगी। उनके अनुसार सारे पर्सन जो हैं, सभी इंसान जो हैं, सेम लॉ से जो है रेगुलेट होने चाहिए। किसी के लिए भी सेपरेट ट्रिब्यूनल नहीं होने चाहिए, ना ही कोई स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए या अदर अथॉरिटी के लिए। अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने फ्रेंच के लीगल सिस्टम के ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको भी हम आगे समझेंगे कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपको थोड़े से शब्दों में समझाऊँ तो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रांस का एक वर्ड है। फ्रांस में एक लीगल सिस्टम चलता है जहाँ पर ऑफिसर्स के लिए कोर्ट्स जो हैं उनके केसेस को संभालने के लिए अलग होती हैं, और जो अलग जो सिटीज़न हैं, कॉमन इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए अलग कोर्ट होती हैं। तो इसी को डाइसी ने क्रिटिसाइज़ किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल कोर्ट होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, चाहे वो कॉमन मैन हो, तो हर किसी के लिए इक्वल कोर्ट्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद उनका तीसरा प्रिंसिपल है जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ इंग्लैंड में जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ज़्यादा महत्व तो इसलिए दिया गया है, जैसा कि आपको पता होगा इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो लिखित में नहीं है, जैसे इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो डाइसी यहाँ इम्पोर्टेंस बताते हैं कि जज के जो प्रनाउंसमेंट होते हैं, जो जजमेंट होती हैं, उनको किसी लॉ को बनाने में कितनी उनकी अहमियत होती है, कितनी उनकी इम्पोर्टेंस होती है। यहाँ पर डाइसी अपनी बात को समझाते हुए ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ फ्रीडम हैं जो लिख दी जा सकती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फ्रीडम इंडिविजुअल्स को हम दे देते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो एक्चुअल केस आता है, वो एक जज के सामने आता है। उस एक्चुअल केस पर जब वो कोई फैसला लेता है तो वो एक लॉ बनता है, एक रियल लॉ बनता है। इसलिए उन्होंने जुडिशियल डिसीजन को इम्पोर्टेंस दी है कि जो एक्चुअल पार्टीज के बीच का इशू है उससे जो लॉ निकल के आया है वो एक इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जज मेड लॉ को यहाँ पर इसलिए अहमियत दी गई है। ये थे रूल ऑफ लॉ के तीन प्रिंसिपल। अब इसमें एक और शब्द मैंने बोला, एक फ्रेंच वर्ड है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्रेंच का लीगल सिस्टम है, फ्रांस का जो लीगल सिस्टम है, वहाँ पर ये ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव चलता है। यहाँ पर दो टाइप के लॉ होते हैं, दो टाइप की कोर्ट होती हैं फ्रांस में, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से बिल्कुल ही। एक होती है ऑर्डिनरी कोर्ट, जो जिसमें ऑर्डिनरी सिविल लॉ होता है, जो सिविल कॉमन इंसानों के लिए होती है, और एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, स्टेट के ऑफिसर्स के लिए होती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं या जो ऑफिशियल हैं, वो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में अपना केस लेकर नहीं जा सकते, वहाँ पर सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल अपना डिस्प्यूट्स लेकर जा सकते हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा है कि प्राइवेट इंडिविजुअल अपना केस जो है ऑफिसर कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। सारे क्लेम और सारे डिस्प्यूट जो अथॉरिटीज़ के बीच में, ऑफिशियल के बीच में होंगे, ठीक है, वो ऑर्डिनरी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर हैं, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ही देखेगा, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स ही नहीं हैंडल करेंगी उन्हें। इस ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव से, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है फ्रांस का, इसको नेपोलियन बोनापार्ट थे 18 सेंचुरी में, उन्होंने इसको लाए थे, वो लाए थे नेपोलियन बोनापार्ट इसको। और इसी को डाइसी ने क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल लॉ होना चाहिए। तो ये था ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव और रूल ऑफ लॉ।
नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की थ्योरीज के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यूँ तो दो थ्योरीज दी गई हैं, रेड लाइट थ्योरी और ग्रीन लाइट थ्योरी, लेकिन अब तीसरी थ्योरी भी है एम्बर लाइट थ्योरी, जो इन दोनों थ्योरी को मिलाकर बनी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की थ्योरीज। सबसे पहली थ्योरी रेड लाइट थ्योरी। रेड लाइट थ्योरी किस बारे में बात करती है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट के जो पावर हैं उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसी थ्योरी के बारे में रेड लाइट थ्योरी बात करती है। ये बोलती है कि जो एब्सोल्यूट पावर है वो करप्ट कर देती है एब्सोल्यूटली, यानी कि गवर्नमेंट को आप जितनी ज़्यादा पावर दोगे वो उतनी ही करप्ट हो जाएगी। इसलिए ये बोलती है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पावर हैं उन पर लिमिटेशन लगानी चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट से हमारा मतलब है जो स्टेट की पावर हैं उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं देनी चाहिए, उस पर हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत है। ये बोलता है कि स्टेट को रेगुलेट करना चाहिए, स्टेट की वेरियस एक्टिविटीज़ को हमें रेगुलेट करना चाहिए, जिससे वो अपनी जो पावर है उनका मिसयूज़ ना कर पाएँ और उनको अब्यूज़ ना कर पाएँ। रेड लाइट थ्योरी क्या करती है? रेड लाइट थ्योरी प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स को और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कि कहीं गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट को दर निकाल ना कर दे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंटल एजेंसी हैं या अथॉरिटेटिव जो एजेंसीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, उनको जुडिशियल कंट्रोल में लाया जाए। तो ये है रेड लाइट थ्योरी, जो कि गवर्नमेंट की पावर पर कंट्रोल लगाने की बात करती है। अब आती है हमारी दूसरी थ्योरी, जिसका नाम है ग्रीन लाइट थ्योरी। ग्रीन लाइट थ्योरी रेड लाइट थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट है। जब रेड लाइट थ्योरी ये बात करती है कि हमें गवर्नमेंट पावर्स पर कंट्रोल करना चाहिए, तो ग्रीन लाइट थ्योरी बोलती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं वो ग्राउंड रियलिटी को जानती हैं, इसलिए हमें उन्हें पावर देनी चाहिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम एजेंसीज को पावर देंगे तो वह अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। ये थ्योरी स्टेट को ये पावर देती है कि वो जो है लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में इंटरवेंशन कर सकता है, या अगर अब वो चीज़ सोसाइटी के वेलबींग के लिए है या सिटीजन्स के राइट के लिए है तो स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। स्टेट को ये पावर यहाँ पर दी है, स्टेट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए लोगों के लिए। तो यहाँ पर ग्रीन लाइट थ्योरी पावर देने की बात करती है। अब इन दोनों थ्योरीज में ये फ़र्क है कि रेड लाइट थ्योरी जुडिशियल कंट्रोल की बात करती है और ग्रीन लाइट थ्योरी पॉलिटिकल प्रोसेस पर एम्फोसाइज करती है। इन दोनों थ्योरीज से मिलकर एक और थ्योरी बनी है, वो है एम्बर लाइट थ्योरी। एम्बर लाइट थ्योरी कहती है कि अच्छा है कि हम जो है अथॉरिटीज़ को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को पावर दें, लेकिन उन पावर्स पर जुडिशियल कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो रेड और ग्रीन लाइट थ्योरीज़ को मिलकर बनी है एम्बर लाइट थ्योरी, जो दोनों चीज़ों की बात करती है कि अथॉरिटीज़ को पावर देना ज़रूरी है क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी पर काम कर। तो ये थी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तीन थ्योरीज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करती हैं, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करती हैं, गवर्नमेंट की पावर पर कंट्रोल की बात करती हैं। तो जो लास्ट की थ्योरी है वो है एम्बर लाइट थ्योरी, कि गवर्नमेंट को हमें पावर देनी चाहिए बट उस पावर पर जुडिशियल कंट्रोल होना ज़रूरी है। नमस्कार एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझना, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है उसे समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को समझिए इस तरीके से कि जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस होती हैं। गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस कौन सी होती हैं? एक होती है लेजिस्लेटिव, यानी कि जो लेजिस्लेचर लॉ बना रही है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच। देन उसके बाद होती है एग्जीक्यूटिव, जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है वो आपकी एग्जीक्यूटिव हो गई। और फिर उसके बाद आती है जुडिशरी, जो उन लॉज को रिव्यू करती है या फिर इंटरप्रिटेट करती है। अगर कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है तो उसे वो नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। तो ये काम करती है आपकी जुडिशरी। तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये तीनों ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं और कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के फंक्शन में जो है एनक्रोचमेंट नहीं करेगा। बट जुडिशियल रिव्यू की पावर कहती है कि जुडिशरी को अगर लगता है कि लेजिस्लेचर
एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्रांच है वो अपने एरिया से बाहर जा रही है और एनक्रोचमेंट कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा बाहर जा रही है, तो ऐसे केस में जुडिशरी इंटरफेयर करती है और वो भी जो भी पावर है उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है उसको वो नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। तो ये थी आपकी जुडिशियल रिव्यू का सिंपल सा मीनिंग। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे जुडिशियल रिव्यू में देखिए, ये कहता है कि ये अल्टीमेट पावर होती है जुडिशरी की रिव्यू करना और डिटरमाइन करना जो भी लॉ है उसकी वैलिडिटी को। और ये सिस्टम इंडिया में गवर्न होता है एक प्रिंसिपल से जिसका नाम है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इंडिया दो प्रोसेस को फॉलो करता है, एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहता है कि जो भी प्रोसीजर लॉ में दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। अगर वो लॉ के हिसाब से आपने वो काम नहीं किया, लॉ में जो प्रोसीजर दिया है उस हिसाब से वो काम आपने नहीं किया, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है कि जो लॉ आपने बनाया है वो लॉ भी जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। पहला जो डॉक्ट्रीन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो लॉ की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि लॉ चाहे कैसा भी हो आपको उसी के अनुरूप काम करना है। लेकिन जो दूसरी डॉक्ट्रीन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो कहती है कि आपका लॉ भी जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। तो ये दो डॉक्ट्रीन है जो इंडिया फॉलो कर रहा है। पहले इंडिया सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करता था, लेकिन अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंडिया फॉलो करता है। तो ये दोनों डॉक्ट्रीन आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन जुडिशरी है उसके पास ये पावर है कि वो एग्जामिन कर सके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म के एक्शंस को, और ये इंश्योर कर सके कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वॉइड होगा। उसके बाद जो जुडिशियल रिव्यू है उसके मेनली दो फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं? कि जो भी एक्शन गवर्नमेंट कर रही है उसको लेजिटिमेट करना, और वो लेजिटिमेट होने चाहिए। और दूसरा है कि क्वेश्चन है वो प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट के एनक्रोचमेंट को, कि गवर्नमेंट कहीं अपनी पावर से ज़्यादा इस्तेमाल ना करने लग जाए और जिससे लोगों की जो भी राइट्स हैं, जो भी आर्बिट्री एक्शंस है गवर्नमेंट वो ले सकती है, तो उसको करने से रोकता है जुडिशियल रिव्यू के तहत। आगे हम हिस्ट्री में देखते हैं कि ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आखिरकार आया कहाँ से है। तो हमें ये तो पता है कि US कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया है वहीं से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में आया है। तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दरअसल आया था 1803 में मार्बरी वर्सेस मेडिसिन के केस से। मार्बरी वर्सेस मेडिसिन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कांग्रेस अपनी लिमिट से बाहर जाती है तो उसको और कोई लॉ बनाती है तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पर भी अगर इंडिया में एग्जांपल देखें तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट से बाहर जा रहा है, वो उसके पावर में ही नहीं था लेकिन फिर भी कोई ऐसा लॉ बनाया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है जो भी सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को इम्पीच कर रहा है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगी उस लॉ का और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो US के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है रादर देन ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू। हालांकि ब्रिटेन हम पर राज कर रहा था उस समय, हमने जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हम ब्रिटेन से ज़्यादातर चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया, चाहे वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हो चाहे कोई भी हो। बट अगर जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियरी की बात करते हैं तो ये हमने US के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है तो वहाँ की जुडिशियरी जो है उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंडिया की पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो यहाँ पर अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है इंडिया में तो उसको जो है जुडिशियरी नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर। यूं तो आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न मिल जाएंगे जो कि जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे होंगे। यहाँ ये बात कर रहे होंगे कि सेंटर और स्टेट के पास उनकी पावर्स बटी हुई हैं, वो अपने अपने दायरे में रहकर काम करते हैं। तीन लिस्ट दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उस लिस्ट में आपके जो है बता रखे हैं कि कौन से विषयों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू के क्लासिफिकेशन देखने होंगे कि रिव्यू हम लेजिस्लेटिव एक्शंस का करते हैं, यानी कि पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया
उस लेजिस्लेटिव एक्शंस का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का, यानी एग्जीक्यूटिव ने कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करते समय, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को एनफोर्समेंट करते समय, अपनी पावर का एक्सरसाइज करते समय कोई आर्बिट्री पावर कर दी, तो उस समय भी हम जो है जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद जुडिशियल डिसीजंस जो आए जुडिशियल रिव्यू में, बैंक नेशनलाइजेशन का केस हो, आरसी कूपर जिसको कहते हैं, मिनर्वा मिल्स का केस हो, और गोलकनाथ का केस हो, तो इसमें हमने जुडिशियल डिसीजंस ये देखे जो जुडिशियल रिव्यू के जो डॉक्ट्रिन है उसको बताते हैं। अब यहाँ देखते हैं आर्टिकल जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता रहे हैं, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो कि इंडिया में बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रवीन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन करता है तो वो वॉइड होगा। अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 और 26 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर देते हैं कि किसी भी केस में अगर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं या फिर उनका एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, जहां पर रिट पिटीशन जो है 5 तरह की रिट पिटीशन जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो कौन सी, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो और सर्सरी और प्रोहिबिशो, ये 5 तरह की रिट पिटीशंस हैं जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपकी जारी करती है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट के केस में वो किसी और भी लॉ के लिए कर सकती है। देन आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की बात करता है, प्रेसिडेंट को अगर किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर एडवाइस दे सकती है। देन आर्टिकल 372 बात करता है कि जितने भी लॉ इंडिया के टेरिटरी के अंदर बनाए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, वो अल्टर किए जा सकते हैं, रिपील किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा और जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा। फिर उसके बाद आर्टिकल 131 और 136 तक ये करते हैं कि कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी मैटर इंडिविजुअल से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, या दो स्टेट से रिलेटेड, या यूनियन से रिलेटेड, वो कोर्ट उसको एडजुडिकेट करेगी कोई भी डिस्प्यूट इनमें होता है तो। और कोर्ट जो है यहाँ पर उनका सारी कोर्ट ऑफ लैंड जो है इंटरप्रिटेट भी करेगी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनको। यहाँ पर हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू को इवॉल्व करने के लिए कुछ केसेस आए और वो बहुत ही लैंडमार्क केसेस हैं। अगर आप जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड अपना आंसर लिख रहे हैं तो इन केसेस को ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहला केस आता है शंकरी प्रसाद का केस। तो जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था, उसी फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1951 में। तो यहाँ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पूरी पावर है कि वो आर्टिकल 368 के अंदर फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दे रखे हैं उनको भी अमेंड कर सकती है। उस वाले केस को चैलेंज किया गया सज्जन सिंह के केस में, और सज्जन सिंह के केस में अपने फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 के अंडर किया जाएगा वो कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर होगा। उसके बाद गोलकनाथ का केस आता है, गोलकनाथ के केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 368 में फंडामेंटल राइट को आप जो है सिटीजन से नहीं ले सकते, उन्हें अमेंडमेंट, उनका अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है केशवानंद भारती का केस जो कि वन ऑफ द लैंडमार्क केस था। इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फंडामेंटल राइट हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट हो, आप जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है सब कुछ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको हाथ भी नहीं लगा सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताई जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। देन उसके बाद आता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का केस 1975 का, जहां पर कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए पार्लियामेंट चाहे कोई भी लॉ बना ले वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर नहीं होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट केस और ये था जुडिशियल रिव्यू। आई होप आपको समझ में आया। एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का लेक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर। जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, वो आप एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है या पॉलिटी आता है, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी और कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। इसको समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कई बार बच्चों के लिए, क्योंकि यूके, यूएसए और इंडिया तीनों का साथ में पढ़ना पड़ता है। आज की वीडियो में बड़े ही आसानी से समझेंगे कि आखिरकार सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन है क्या।
सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन पर चलने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है उसकी तीन ब्रांचेस होती है, या फिर आप किसी भी डेमोक्रेसी की तीन ब्रांचेस देख सकते हो। तो डेमोक्रेसी में सबसे पहली जो ब्रांच होती है वो होती है आपकी लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव यानी कि जो लॉ बनाने का काम कर रही है। हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव है वो उसको कहते हैं पार्लियामेंट, जिसके अंदर आ जाते हैं दो हाउसेस, एक होता है आपका अपर हाउस, एक होता है आपका लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। अब ये दोनों हाउसेस प्लस प्रेसिडेंट जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। इनके पास पावर होती है लॉ को बनाने की और चेंज करने की, यानी कि अमेंडमेंट करने की भी और इनेक्ट करने की भी। तो ये पहली ब्रांच हो गई जो होती है पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव। अब आती है दूसरी ब्रांच जो होती है आपकी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होती है? एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आपके लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है यानी कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है उसको इनेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर पावर टू पुट लॉ इनटू एक्शन, एक्शन यानी कि इम्प्लीमेंट करने का जो काम कर रहे हैं लॉ को, वो होती है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसके अंदर कौन आ जाते हैं? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, PM, MP, MLAs, जो आपके लॉ को इनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी आ जाती हैं। एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ और ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। एक होती है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपके MPs और MLAs आ जाते हैं। तो ये हो गई एग्जीक्यूटिव, जो कि आपके लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। देन थर्ड नंबर पर आती है आपकी जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी आपके लॉ को इंटरप्रिटेट करने का काम करती है, यानी कि लेजिस्लेचर ने और एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया या कोई ऐसा कानून तो लागू नहीं कर दिया जो जनता के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, का काम आपकी जुडिशरी करती है। इनके पास पावर है टू मेक जजमेंट ऑन द लॉस। तो ये हो गई आपकी तीन ब्रांचेस। अब इन तीन ब्रांचेस के काम को अलग अलग रखना, यानी कि सेपरेट रखना, यानी एक दूसरे के काम में ये तीनों इंटरफेयर ना करें, यानी कि जो भी इनके दायरे हैं वो अपने अपने दायरे में रहकर सारे काम कर रहे हैं, उसी को हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। यानी कि कहीं से भी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर ना करे, पार्लियामेंट में इंटरफेयर ना करे, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव में ना करे, जुडिशरी में ना करे, और इसी सेपरेशन को मेंटेन रखना एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रीन। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर की जो डेफिनेशन है या फिर जो मीनिंग है वो क्या है कि गवर्नमेंट के तीन कैटेगरी के फंक्शंस होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और ये तीनों अपने अपने दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी सभी ब्रांचेस सेपरेट है, इंडिपेंडेंट पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कोई भी एक दूसरे के दायरे में इंटरफेयर नहीं कर रही, इसलिए उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से बचेगा। ये सेपरेशन ऑफ पावर का सिंपल सा मीनिंग है। अब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को सबसे पहले देने वाले एरिस्टोटल और प्लेटो थे, लेकिन उन्होंने उसको इतनी अच्छे से नहीं समझाया था। इसको अच्छे से समझाने के लिए श्रेय जाता है मॉन्टेस्क्यू को। मॉन्टेस्क्यू बेसिकली UK यानी यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल लेते हुए हमें समझाते हैं और कहते हैं कि जो इंग्लिश मैंस हैं यानी कि जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनकी डेमोक्रेसी का असली सफलता का राज ही ये सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पर इन्होंने ये एग्जाम्पल लेते हुए समझाया। अब इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को समझाया, द स्पिरिट ऑफ लॉस, जो 1748 में लिखी। क्यों? बेसिकली ये समझाते हैं कि जो पावर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो सेम पर्सन पर यूनाइटेड रही तो कोई लिबर्टी नहीं बचेगी। यानी कि अगर लॉ भी एक ही इंसान बना रहा है, उन लॉ को इम्प्लीमेंट भी वही इंसान कर रहा है, तो वो एक टेरेनिकल लॉ बनाएगा और उन टेरेनिकल लॉस को टेरेनिकल मैनर में इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि उसी का शासन होगा। वो चाहे जैसे लॉ बनाए, चाहे जैसा उनका इम्प्लीमेंटेशन करे, वो सिर्फ उसी इंसान पर रहेगा और इससे एनार्की की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे में अगर जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर सेपरेट नहीं होंगी या एक ही इंसान के पास ये तीनों पावर होंगी, तब भी कोई लिबर्टी नहीं बचेगी।
इसकी वजह से क्या होगा कि एक ही इंसान के पास सारी पावर्स आ जाएंगी, तो वो लॉज भी वैसे ही बनाएगा और इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो पूरी तरीके से उससे छिन जाएगी। इसलिए यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का एक डेमोक्रेसी में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डॉक्ट्रिन को समझाते हुए मॉन्टेस्क्यू यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल लेते हैं। अब सेपरेशन ऑफ पावर को हम तीनों कंट्रीज़ में देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू ने जिस यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल लिया, क्या सच में सेपरेशन ऑफ पावर उसमें है। फिर हम देखेंगे यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर, और फिर लास्ट में अपने प्यारे भारत की सेपरेशन ऑफ पावर को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, जिसका एग्जाम्पल मॉन्टेस्क्यू ने लिया और जिसको कॉन्टेक्स्ट में रखकर मॉन्टेस्क्यू ने समझाया, तो क्या सच में इसमें सेपरेशन ऑफ पावर है? तो जी नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर यूनाइटेड किंगडम में हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पावर है वो यहाँ के पार्लियामेंट के पास है। यहाँ का पार्लियामेंट सुप्रीम है, जितने भी लॉ बनाने का काम करता है वो पार्लियामेंट करता है। जुडिशरी के पास इतनी पावर्स नहीं है, तो यहाँ पर वीक सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं जो एविडाइसी बताते हैं। तो ओरिजिनली रिफर मॉन्टेस्क्यू ने इसको किया, बट यहाँ पर कोई सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। इनका क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉडिफाइड है, तो वैसे भी पता नहीं लगाया जा सकता कि सच में सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलता, या ये कहें कि बहुत ही वीक सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि यहाँ की पार्लियामेंट इनके लिए सुप्रीम है। देन आते हैं यूएसए। यूएसए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ पावर के लिए, क्योंकि यहाँ के जो फोर फादर थे, जब इन्होंने यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तब इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से डाल दिया था। अगर इनकी बात करें तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग चीज़ों को रेफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर ये बताता है कि इनका आर्टिकल वन जो है, जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर होंगी वो कांग्रेस के पास होंगी, ये बताता है। आर्टिकल टू बताता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी वो प्रेसिडेंट के पास होंगी, और आर्टिकल थ्री बताता है कि जितनी भी जुडिशियल पावर होंगी वो सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास होंगी। तो यहाँ पर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि समय के साथ साथ जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में था, उसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिलता है, कि अब जो जुडिशरी है वो चेक एंड बैलेंस के डॉक्ट्रिन को भी यूज करती है। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का यही कॉन्सेप्ट इंडिया ने भी अपनाया। तो हमने जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लिया वो यूएसए से लिया, लेकिन हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो यूएसए की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारा सेपरेशन ऑफ पावर में चेक एंड बैलेंस है, यानी कि जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कामों में, अगर उन्हें लगता है कि कहीं भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में जो लोग बैठे हुए सेम ही हैं। तो इंडिया जो फॉलो करती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी फॉलो करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 ये बताता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए, यानी कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, क्योंकि ये डीपीएसपी में दिया हुआ है। तो डीपीएसपी तो आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, फिर भी हम जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखते हैं। बट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर को देखें तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है दूसरी दो ब्रांचेस से, और जुडिशरी का मेन काम है लॉज को इंटरप्रिटेट करना, ठीक है, जजमेंट्स देना, जो भी अगर कोई भी टेक्निकल लॉ है या फिर ऐसा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड नहीं है उसको वॉइड डिक्लेयर करना। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेटिव पावर है लॉ बनाना, स्टेट लेजिस्लेचर भी है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेसिडेंट आ जाते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम, तीन अलग अलग हमें बता रखे हैं कि इनके ये काम हैं और ये अपने दायरे में रहकर ये काम करते हैं। बट ये जो डॉक्ट्रीन है वो हमारे यहाँ रिजिड सेंस में अप्लाई नहीं की जाती है, फॉलो नहीं की जाती है। एग्जीक्यूटिव हमेशा अकाउंटेबल होगा जो भी कंडक्ट वो कर रहा है लेजिस्लेचर के लिए, और क्योंकि इसने जो भी अथॉरिटी ड्राइव की है वो लेजिस्लेचर से की है, याद रखिए।
जो एग्जीक्यूटिव की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास ज़रूर वेस्टेड है, लेकिन जो रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे जो भी कानून है एग्जीक्यूटिव के वो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, उन्हें हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड है। यहाँ 74(1) में आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव हेड कंडक्ट करेगा कन्फॉर्मिटी एड एंड एडवाइस पर काम करेगा, जो भी उसकी कैबिनेट है उसकी एड एंड एडवाइस पर, यानी कि प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। आर्टिकल 123 बोलता है कि वेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई भी इमरजेंसी में रूल बनाएगा तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेचर की पावर भी आ गई, ये देख रहे हो आप। तो यहाँ आपको हमेशा इंटरवेंशन दिखता है। फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जुडिशियल पावर भी एक्सरसाइज कर सकता है। किन इशू कर रहा है, जब वो पार्डनिंग पावर दे रहा है, रिमिशन कर रहा है, रिमिट कर रहा है किसी भी सज़ा को, तो इस केस में वो जुडिशियल पावर भी यूज़ कर सकता है। दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, राम जवाए वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को पहली बार कोर्ट ने बताया और कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया कि हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर है। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट किया गया ब्रॉडर सेंस में। अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमने रिजिड सेंस में अप्लाई नहीं किया, बट ये जो है इंडिया में अप्लाई होता है ऐसा कहा गया। ये दो केसेस याद रखिएगा। ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर।